और विदिशा के पीतल मिल चौराहा स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। विदिशा की पूरी विधायक शशांक भार्गव, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं 8 से 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर बुदेश कुमार वैद और SP दीपक शुक्ला मौके पर पहुंचे और दमकलों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं जिले के SP ने बताया कि सुबह केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक जन हानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आग किन कारण से लगी है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। विदिशा नगर में पीतल मिल चौराहे पर हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री पर, जहां पर पेस्टिसाइड बनता है, आग लगने की आज सुबह सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही से तत्काल जो है उस आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री की आग है तो इसको बुझाने के लिए फोम वाली एक जो विशेष फायर ब्रिगेड्स होती है उनकी आवश्यकता होती है। तो मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में और जो बिना रिफाइनरी हमारी वहाँ पर इस तरह की फायर ब्रिगेड है। स्थानीय स्तर पर जो अडानी की आई है हमारी यहाँ पर, तो वहाँ पर भी फायर ब्रिगेड है, वो भी मौके पर पहुँच चुकी है। भोपाल से भी दो फायर ब्रिगेड आ रही है और जो हमारी स्थानीय स्तर पर जो 4-5 फायर ब्रिगेड है वो सब निरंतर इस काम में जुटी हुई है। लोगों को आगाह किया गया है कि जहाँ दुर्घटना हुई इस क्षेत्र के आसपास था जो इंडस्ट्री आग लगी। देखिए, यहाँ विदिशा हेडक्वार्टर में हमारे थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पीतल मिल इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पे एक केमिकल यूनिट में हमको सुबह फायर की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना मिली तो हमने जितने हमारे लोकल रिसोर्सेज थे, फायर ब्रिगेड्स थी, यहाँ तक कि आसपास के जितने कस्बे हैं, सांची, मंडीदीप, बासोदा, बीना से और जो लोकल यूनिट है अदानी, वहाँ से हमने फायर ब्रिगेड और फोम वाली फायर ब्रिगेड बुलवाई है और प्रशासन की टीम और लोकल जो यहाँ के अन्य लोग हैं, जो इनके वर्कर्स थे, उनके साथ मिलकर इसको नियंत्रण में करने का जल्द से जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, कितनी देर हो गई? ये संभवतः जो सूचना मिल रही है कि 7 से 7:15 के बीच में आग लगी है और हम लोगों तक सूचना 7:30 के लगभग आई थी और अभी लगभग 8:30 का समय है, तो 1.25 घंटे तो आग को हो चुका है।